राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है मानव विकास के संकेतक। जीवन की गुणवत्ता और जन कल्याण के स्तर का मात्रात्मक मापन कठिन है, फिर भी मानव विकास के विविध आयामों के मापन के लिए एक व्यापक मापक की खोज करते करते संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने एक मिश्र संकेतक का निर्माण किया है, जिसे अब मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है। इसमें पहला दीर्घ जीविता, दूसरा ज्ञान आधार और तीसरा उच्च जीवन स्तर शामिल हैं। संकेतक को सरल बनाए रखने के लिए केवल सीमित चरों को ही शामिल किया गया है। प्रारंभ में जीवन प्रत्याशा को दीर्घ जीविता के संकेतक के रूप में, प्रौढ़ साक्षरता को ज्ञान के संकेतक के रूप में, क्रय शक्ति समता के लिए, समायोजित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद को अच्छे जीवन के संकेतक के रूप में चुना गया था। इन चरों को विभिन्न इकाइयों में अभिव्यक्त किया जाता है, इसीलिए अनेक संकेतकों के स्थान पर एक मिश्र संकेतक के निर्माण के लिए एक विधि तंत्र का विकास किया गया था। भारत में सन 2001 का मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संकेतकों के तीन समूहों का चयन किया गया। इनमें से मानव विकास सूचकांक मिश्र सूचकांकों का केंद्रीय समूह है। ये संपूर्ण समाज के मानव विकास की दशा को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा स्त्रियों की तुलनात्मक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए लिंग समानता सूचकांक का अनुमान लगाया गया है। यही नहीं, समाज के सुविधा वंचित वर्ग की दशा के मूल्यांकन के लिए मानव निर्धनता सूचकांक बनाया गया है। अनेक अन्य चरों को भी क्रमशः मानव विकास के संकेतकों के समूह में जोड़ दिया गया है। इनमें दीर्घ जीविता से संबंधित जन्म दर, शिशु मृत्यु दर के विशेष संदर्भ में मृत्यु दर, पोषण तथा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से जुड़े स्वास्थ्य संकेतक शामिल हैं। सामाजिक संकेतकों में साक्षरता, विशेष रूप से स्त्री साक्षरता, स्कूल जाने वाले बच्चों का नामांकन, विरत छात्र अनुपात तथा छात्र अध्यापक अनुपात शामिल हैं। आर्थिक संकेतक वेतन, आय और रोजगार से संबंधित हैं।
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, गरीबी का विस्तार तथा रोजगार के अवसर इस समूह के वांछित संकेतक हैं। मानव विकास का समग्र चित्र प्रस्तुत करने के लिए इन्हें मिश्र सूचकांक में परिवर्तित कर लिया गया है। पॉल स्ट्रीटन के अनुसार इन कारणों से मानव विकास आवश्यक है। पहला, विकास की सभी क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय दशाओं को सुधारना तथा लोगों के लिए विकल्पों का बढ़ाना है। दूसरा, मानव विकास उच्चतर उत्पादकता का साधन है। सुपुष्ट, स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और सतर्क श्रमिक अधिक उत्पादन करने में समर्थ होते हैं। अतः उत्पादकता के आधार पर भी मानव विकास में विनिवेश न्यायसंगत माना जाता है। तीसरा, मानवीय प्रजनन की गति धीमी करके ये परिवार के आकार को छोटा करने में मदद करता है। चौथा, मानव विकास भौतिक पर्यावरण हितैषी भी है। गरीबी के घटने से निर्वनीकरण, मरुस्थलीकरण और मृदा अपरदन भी कम हो जाता है। पांचवा, सुधरी मानवीय दशाएं और घटी गरीबी स्वस्थ और सभ्य समाज के निर्माण में योगदान देती हैं तथा लोकतंत्र तथा सामाजिक स्थिरता को बढ़ाती हैं। छठा, मानव विकास सामाजिक अशांति को कम करने तथा राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। अतः मानव विकास की संकल्पना केवल अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित न होकर मानव के संपूर्ण विकास से संबंधित है। आर्थिक कारकों के समान राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। इसके अलावा विकास के लक्ष्य और साधनों दोनों पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। मानव विकल्पों के विस्तार को तो विकास का लक्ष्य माना जाता है, लेकिन आय के विस्तार को इसका आवश्यक साधन माना जाता है। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। अभी आप सुन रहे थे राखी जैन के स्वर में वार्ता मानव विकास के संकेतक। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।